मेदिनीपुर जिला दरअसल उसे हमेशा आंदोलन की धरती माना गया है और आंदोलनों के साथ साथ नेता भी ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई है और आंदोलन ही किया है। ऐसे ही एक कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, शुभेंदु अधिकारी। तृणमूल कांग्रेस से अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन तेवर और कलेवर में इस समय कोई भी परिवर्तन नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ शुभेंदु दा, जो आपका मोह भंग हो गया टीएमसी से और बीजेपी में आ गए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, टीएमसी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम कर रहा हूं, लंबे टाइम से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं, हमारा इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया इसलिए पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। दिक्कत किससे थी, ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से? देखिए, ये दोनों तो मिलावगत है। अभिषेक बनर्जी, उसकी नेफ्यू को उन्होंने पॉलिटिक्स में लाया। कब लाया? 2011 में, पार्टी जब संघर्ष करते हुए नंदीग्राम नेता ये सब होने का बाद, जब कांग्रेस का साथ अलायंस करके, जिस कांग्रेस को टूटा था उसका साथ अलायंस करके, उसका सपोर्ट लेके और नंदीग्राम नेता से लेकर बहुत मूवमेंट हुआ उसका, उसमें उसका भतीजा का कोई रोल नहीं था। जब 2011 में पार्टी ने पावर में आ गया तब उन्होंने अपनी भतीजा को 21 जुलाई 2011 पॉलिटिक्स में एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद संरक्षण आज जो हो रहा है पार्टी का अंदर, मैं नहीं, हजारों संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहा है। देखिए, काल 14 काउंसिलर, 5000 वर्कर पार्टी छोड़ी एक असेंबली सेगमेंट में। आज दोनों असेंबली सेगमेंट में 1200 पार्टी वर्कर, इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर, पार्टी का पंचायत, सब पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन ले लिया। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, पार्टी अपनी जो लाइन था, मां माटी मानुष का नारा था, उसके खिलाफ काम कर रहा है। भतीजा बात चल रहा है।